तो यहाँ लगता है क्या शैतान शैतान लगता है तो भी नहीं देख फूक रही है तो गाइस यार आप सबने देखा कि मैं यहाँ तक कैसे कैसे चल के अकेले आया हूँ और गाड़ी मैं एक हाथ से हैंडल कर रहा था, एक हाथ से मैं कैमरा हैंडल कर रहा था और इस जंगल तक अकेले चला आया, क्योंकि आज हमारे साथ कोई भी टीम नहीं है और हमारी जो टीम है वो इधर उधर के काम में व्यस्त है। तो हो सकता है कि मैं कुछ लोकेशनों को शायद विजिट करूँ और सिंगल ही बहुत सारे चैलेंज ऐसे हैं जिसे मैं कम्प्लीट करने वाला हूँ आप सबके सामने। तो मैं गाड़ी चला के जब अंदर आया तो डर तो लगा ही मुझे बहुत ज़्यादा। उसके बाद सबसे बड़ी बात कि आज मैं आया क्या, मैं किधर हूँ, सबसे पहली बात कि आया किधर हूँ मैं। तो आज मैं आया हूँ उसी हॉन्टेड नाले के पास जहाँ पर से एक लड़की को बार बार मैंने कैमरे में कैद किया है जंप लगाते हुए, आप सब ने देखा था वो वाली वीडियो। तो बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि भाई एक बार आप फिर से वहीं पर विजिट करो और सबसे बड़ी बात कि अकेले विजिट करो। तो मैं कहा चलो आज अकेले हूँ तो इस जगह को विजिट करता हूँ। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया और मैं यहाँ तक चला आया। अब सबसे पहले मैंने गाड़ी यहाँ पर लगा दी है पास में। अब मैं आज सबसे पहले क्या दिखाने वाला हूँ, हर बार आपने देखा था कि नाला डायरेक्ट वहाँ से ही वीडियो स्टार्ट होती थी, आज मैं पूरा आपको स्टार्टिंग से दिखाया हूँ कि नाला वो है एग्जैक्ट किस जगह पर। अब मैं डायरेक्ट यहाँ से कैमरा पूरा फोकस करता हूँ सामने की तरफ और जो भी कुछ अगर रिकॉर्ड होता बाय चांस, अगर रिकॉर्ड होता है तो, नहीं होता तो कोई बात ही नहीं, विजिट कर लिया यही काफ़ी है। तो सीधा फोकस लेता हूँ मैं सामने की तरफ और चलता हूँ उस नाले की तरफ। और आज देखने वाली बात यह है कि वो लड़की क्या आज फिर जंप लगाएगी हमारे कैमरे के सामने। सबसे पहली बात वो गोस्ट क्लियर तो कर ही दिया था मैंने कि कितनी खतरनाक थी। तो चलते हैं सीधा उस नाले की तरफ। सबसे पहले तो मैं गाड़ी चेक कर लेता हूँ कि हैंडल मैंने लॉक किया कि नहीं, लाइट्स को मैंने जिसको मैं मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कि मैंने हैंडल लॉक किया है कि नहीं इसका। हाँ लॉक कर दिया। अब मुझे इस रास्ते से नीचे की तरफ चलना है। माय गॉड डर लग रहा काफी, जैसे लग रहा कोई पीछे चल रहा है, पता नहीं क्यों अकेले जब भी होता तो ऐसा एहसास होता है। और वो जो सामने आपको लाइट दिख रही है उस लाइट के आसपास ही शमशान घाट है जिसे कहते हैं भैरो घाट के नाम से जाना जाता है कानपुर में, आप सबको शायद पता होगा। मैं पहले नीचे उतरता हूँ और इस तरफ मैं चलता हूँ। पहले ये रही नदी, और वो रहा सामने गंगा बैराज, वो आपको दिख रही होंगी लाइटिंग्स। ये ठीक इस जगह पर वो नाली है जिस जगह पर आज मैं अकेले विजिट करने के लिए आया हूं। अब मैं चलता हूं उस नाले की तरफ, सीधा सीधा उस नाले की तरफ। डर तो काफी ज्यादा लग रहा है। वो रही सामने मेरी गाड़ी, ऊपर की तरफ खड़ी है, आपको दिख रही होगी। अब मैं चलता हूं सीधा इस तरफ। पता नहीं क्यों अजीब, ये कौन खड़ा है, ये कोई खड़ा है। अरे भाई साहब गाइस आपको वहां पर कोई चीज नजर आ रही? हाँ भाई साहब पूरी काले काले रंग की कोई चीज वहां पर जाते हुए नजर आ रही गाइस उस जगह पर। आप देखो अब सच में मेरी फट रही है यार, क्योंकि मैं अकेले हूं और बाई चांस ये गोस्ट। भाई साहब कौन है वहां पर? कौन है उस जगह पर? भाई साहब
भाई साहब कौन है यार ये इतनी रात को ऐसी जगह पर। माय गॉड, अब मुझे डर लग रहा काफी गाइस, क्योंकि पता है जस्ट ये जो नदी का किनारा है पीछे की तरफ शमशान घाट है और वहां पर कोई चलते हुए नजर आ रहा है। मुझे शायद यहां से निकलना चाहिए। वो यार वो सामने की तरफ, वो मुझे नजर आ रही सामने की तरफ। ये क्या चीज थी भाई साहब? ओह माय गॉड, लाइट ऑफ हो गई। पता नहीं लाइट भी इसी समय पे बंद होनी थी। वो गाइस वो जा रही उस तरफ, मेरी लाइट अचानक से बंद हो गई थी। आपको मैं दिखा रहा हूं जूम करके, वो जा रही वो सामने की तरफ। अगर आपको मैं दिखा पा रहा हूं तो वो चीज वो सामने की तरफ है। सामने की तरफ मैं आपको पूरा जूम करके दिखा रहा हूं। फोकस ले फोकस ले फोकस ले। वो देख, वो सामने की तरफ कोई चीज खड़ी है। वो देखिए पेड़ के एकदम जस्ट में वो जा रही है। ये नहीं पता मुझे ये कौन है, लेकिन ये जो भी चीज है वो देखिए वहां पर गायब हो गई जाके उस जगह पर। और नाला ठीक यहां से थोड़ी आगे पर नाला है। मैं पहले इसको जूम आउट करता हूं ताकि आपको क्लियर नजर आए चीजें। अब ये कौन है कौन नहीं मुझे नहीं पता, और वो चीज झाड़ियों में जाकर अचानक से गायब हो गई। कुछ सेकंड के लिए मेरी लाइट ऑफ हो गई थी, उसके लिए माफी चाहूंगा। पता नहीं क्यों कैमरा भी आज यहां पर ब्लर हो रहा है, इस वजह से हो सकता है कि फोकस ना ले रहा हो। तो गाइस यही वो नाला था और सामने आपको चांद नजर आ रहा होगा, जिसको कहते हैं कि मोस्ट हॉन्टेड में से एक है ये नाला। पता नहीं हम अकेले यहां पर कितनी देर तक टिक पाएंगे, क्योंकि यहां पर बहुत सारे एक्टिविटीज और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो शायद हम नहीं दिखा सकते कैमरे के थ्रू। ये नाला है गाइस, वो देखिए सामने कोई खड़ा है उस तरफ गाइस, नजर आ रहा होगा आपको। कौन है वहां पर, कौन है उस जगह पर? ओह माय गॉड, मैं पूछ रहा हूं कौन है उस जगह पर? मैं पूछ रहा हूं आखिरी बार कौन है उस जगह पर? वो गई से कुफे जैसी चीज जगह बनी है, वो देखिए उसके अंदर चली गई वो चीज। ओ शिट यार, इधर पूरा पानी भरा हुआ है, काफी डरावनी जगह है गाइस ये। माय गॉड, कौन था इस जगह पर? कोई भी नहीं है। ओ शिट, जो भी चीज थी गाइस इसके अंदर से ही गायब हो गई। अब मैं एक बार बाहर अंदर चल के देखता हूं कि सच में क्या कोई इंसान है जो डराने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई और ही है इस जगह पर जो इस जगह पर मौजूद है। ओह माय गॉड यार,
तो गाइस ये नाला है और इसी नाले की मैं बात कर रहा था। कभी तो कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा है इस जगह पर, और मेरे हिसाब से अगर वो चीज अगर मुझे दिख गई ना तो मैं छोड़ छाड़ के यहां से भाग जाऊंगा, क्योंकि ये जो नाला है बहुत खतरनाक है और कभी भी कोई चीज नजर आई तो सच में हमारे लिए तो बहुत ज्यादा डरा देने वाली है। तो जो भी चीज थी यहां पर आके गायब हो गई। पीछे साइड ये पूरी यहां की बिल्डिंग्स हैं जो पानी को मेजर करती है, और इस तरफ आपको देखो तो सब कुछ नजर आ रहा होगा। वो खड़ी है गाइस, इस जगह पर देखो कोई खड़ा हुआ है। ओ माय गॉड, इस जगह पर देखो कोई खड़ा हुआ है। ये वही है जो जिसका मैं पीछा करते हुए इस जगह पर आया था, और शायद वो क्या चीज गई है यार, वो कहां गई कहां गई कहां गई गाइस, गायब हो गई वो चीज, गायब हो गई। ओह माय गॉड, सच में मुझे डर भी लग रहा है और एक पल ऐसा लग रहा है कि बस छोड़ के यहां से भाग जाऊं, क्योंकि बड़ा अजीब है यार ये जो भी चीज है। और कोई है इस जगह पर, कोई है इस जगह पर? यहां पर पता नहीं कुछ गाना या साउंड चल रहा है शायद कहीं पर ही, तो कुछ तो प्रोग्राम वगैरह है। मैं यहां से पहले बाहर चलता हूं, और मेरी हालत सच में यहां पर बहुत भयानक हो चुकी है। ओ माय गॉड, वो शायद नाव वाले जा रहे हैं। भैया कौन है भैया वहां पे? अरे नाव वाले भैया, अरे यहां पर कोई खड़ा था भाई। अरे इस जगह पे कोई सफेद या काले कपड़े में कोई चीज यहाँ पर नजर आई है अभी, यहाँ पर नाले पे कोई लड़की खड़ी थी, लड़की, हाँ वीडियो बना बना के हम यहाँ तक पहुंचे। हाँ हाँ, अरे हमने हम दौड़ के जब तक पहुंचे वैसे निकल गई वो चीज, लड़की थी, लड़की लड़की हाँ। जाओ जाओ यहाँ से, चले जाओ। तो यहाँ लगता है क्या शैतान? शैतान लगता है, तभी तो हम लोग अभी घंटे नहीं आते हैं। देखिए गाइस, हाँ अरे जैसे हम गए तो वो जंप मार दिए अंदर पानी के, भाई शैतान लगता है यहाँ, शैतान लगता है जी। नहीं हमने सुना तो है, यहाँ पर एक कहानी सुनी है, लेकिन फिर हमने कहा चलो एक वीडियो बनाते हैं। और जैसे वहाँ पहुंचे वैसे देखा एक लड़की है, जैसे पास में जंप मार दी वो। मेरे साथ में कौन है? पीछे देखो टाउन था, पीछे ये कौन है? यही था यार। हाँ चलो बढ़ो यार, समझे भाई? हाँ पक्का यार शैतान लगती है। अरे वो पीछे टाउन है, देखो ना तुम्हारे। अरे हमारे पीछे कौन है भाई? अच्छा ये वीडियो बना रहे हैं भाई, पीछे कोई नहीं है। मगर मजाक नहीं कर रहे हैं भाई, शैतान लगता है। शैतान लगता पक्का जी। वीडियो बना रहा है, बना। तो गाइस अभी यहाँ के जो मछुआरे हैं गांव वाले वो भी कह रहे हैं कि यहाँ पर शैतान लगता है। अब तो आपको ये यकीन हो गया होगा, एकदम क्लियर उन लोगों ने बताया कि यहाँ पर शैतान लगता है, मतलब 100% श्योर है कि इस जगह पर शैतान लगता है।
ये हकीकत आज मैंने आप सबको दिखाई। तो बस मैं यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ पहले बहुत तेज, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है ना, तो रिस्क है, क्योंकि वो लोग भी देखिए यहाँ से चले गए और हमारे पीछे पता नहीं बार बार इशारा कर रहे थे कि पीछे कोई है। मैं पीछे घूम रहा तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। अब ये नहीं पता कौन किसके बारे में वो कह रहे थे, नहीं समझ पाए हम भी। बस यहाँ से अब मैं निकल जाना चाहता हूँ गाइस, क्योंकि पता नहीं वो सच भी कह रहे हैं या झूठ भी कह रहे हैं। जो भी है यहाँ से निकलना होशियारी होगी, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर दिखाया था कि कितनी क्लियरली चीज़ों रिकॉर्ड हुई थी यहाँ पर। तो मिलते गाइस।